वेलकम टू आर्ना फूडी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी पनीर मोमोज। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और घर में बने हैं तो इसलिए हाइजीन है। ऐसे ही आप बच्चों को घर में ही बना के खिलाएं बाहर से लेने की बजाय। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं मोमोज बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। पहले हम इसका आटा बना लेंगे क्योंकि इसे हमें रेस्ट करने के लिए 20 मिनट्स के लिए रखना होता है। तो सबसे पहले इसका आटा तैयार कर ले। तो ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैं इसको डालूंगी एक बोल में। और इसका हम एक आटा बना लेंगे जैसे हम रोटी का बनाते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक और 2 टीस्पून ऑयल। और हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। और डो ऐसा बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा ऐसा हार्ड भी नहीं करना है, नहीं तो इसकी मोमोज नहीं बनेंगे ठीक। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लें। और मैं इसको दूंगी तंदूरी फ्लेवर, तो इसलिए आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर देखें, इसे मिस ना करें। आगे मैं आपको एक और भी अच्छी चीज़ बताऊंगी जिससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, तो इसलिए मेरी वीडियो पूरी देखें। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी पिलाएं। ये डो रेडी हो गया है। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये ज़्यादा पतला भी नहीं है। जब तक वो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है 20 मिनट्स के लिए, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर, ये 250 ग्राम पनीर है, और एक बड़ी शिमला मिर्च और एक प्याज। मेरे पास ये चॉपर है, मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज को डाल करके बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। इस चॉपर से बहुत अच्छे चॉप होते हैं। बहुत जल्दी हो जाता है इससे काम, टाइम भी नहीं लगता है इसमें। कभी सुबह सुबह सैंडविच वगैरह देना होता है तो इसमें चॉप कर लेती हूँ, और बहुत बारीक बारीक से अच्छे से होता है इसमें। ये देखिए, ऐसे ही हम ये सारा चॉप कर लेंगे इसे अच्छे से। ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी और इसका हल्का सा हाथ से दबा के पानी सा निकाल दें जिससे उसमें पानी कम रहे। मैंने ये सारा ये निकाल लिया है, हल्का सा पानी को निकाल के हाथ से दबा के। अब मैं इसमें पनीर भी अच्छे से इसको मैश कर लूंगी। पूरा ये पनीर इसी के साथ मैश करके इसे अच्छे से ऐसे ही मैश करके सारा पनीर ये मैश करके, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे जिससे इसका जो बाकी पानी है, मॉइस्चर है, वो सूख जाए। इससे हमारे मोमोज बहुत अच्छे बनेंगे, नहीं तो मोमोज गीले हो जाएंगे और वो अच्छे से बनेंगे नहीं। तो इसलिए इसका मॉइस्चर निकालने के लिए हम इसे हल्का सा फ्राई भी करेंगे। ये मैंने पनीर अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने चढ़ा ली एक कढ़ाई और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब ऑयल गर्म हो जाए।
इसमें जीरा वीरा नहीं डालते हैं, तो इसमें मैं सीधे ये डालूंगी अपनी स्टफिंग। स्टीम करके मोमोज भी बहुत अच्छे लगते हैं और फ्राई करके भी। इसमें अब मैं डालूंगी चाट मसाला, मैंने 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। मैं ग्रीन चिली का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे इसे। आप चाहें तो इसमें गाजर, ग्रीन चिली वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है तो उसमें भी नमक होता है। अब गैस को मीडियम करके जब तक ये इसका मॉइस्चर नहीं खत्म हो जाता तब तक इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आ जाएगा, इसमें तीखापन नहीं होता है, अच्छा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे नहीं पसंद करते खाना, इसीलिए मैं इसमें ये चीज़ यूज नहीं कर रही हूँ। ये अच्छे से हो गई है फ्राई। अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं। कि मैंने स्टफिंग को प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने का वेट करते हैं, क्योंकि तो गरम गरम एकदम नहीं डाले जाएंगे। और यहाँ पे आटा भी हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके हम इसके मोमोज बनाएंगे। तो पहले हम इसे ठंडा होने तक इसका वेट करते हैं। ये स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम तैयारी कर लेते हैं मोमोज बनाने की। तो स्टफिंग को रखते हैं साइड में और ये है आटा, तो इसको हम अच्छे से एक बार और मसल लेंगे जिससे ये चिकना हो जाए। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे, जिस साइज के आपको मोमोज बनाने हैं। ये देखिए हम इसकी पूड़ी बनाएंगे एक। तो यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट, थोड़े से मैदा को हम यहाँ पे डस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं लेना है। और बेलन की हेल्प से पूड़ियाँ बना लेंगे इसकी, और इसको साइड से बेलते हुए बनाएं, साइड में थोड़ा सा पतला कर रखना है। इसकी साइड बेले, मोटी नहीं होनी चाहिए साइड। सब तरफ से एक सा होना चाहिए। अब ये बन गई है पूरी, अब हम इसमें स्टफिंग भरते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच स्टफिंग डालूंगी, ज्यादा नहीं भरे। अब इसको बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए इस तरह से प्लीट्स बनाते रहें छोटी छोटी, ऐसे करके। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके, इस तरह से ये प्लीट्स बनाएंगे इसकी। और इसको ऊपर से बंद कर दें कि हमारा मोमो रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे मोमोज रेडी कर लेंगे। ये मोमोज सारे हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा डीप फ्राई। मैंने यहाँ पे ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हम इन्हें अब डीप फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ी ही देर करना है बस। बिल्कुल धीरे धीरे करें जिससे ये टूटे ना हमारे ये।
अब हमें ये फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना है, हल्का हल्का सा बस फ्राई करना है। अब हम इसका मैरिनेट बनाएंगे हम, तंदूरी मैरिनेट जो हम इसको करना है हमें। ये मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं घर में, पनीर वाले कई तरह से बनते हैं, सारे वेजिटेबल्स के भी बनते हैं। मैंने पनीर लिया है, आप कोई और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं इसमें जो आपकी इच्छा हो। ये हो गए हैं फ्राई, मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ और गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम बनाते हैं मैरिनेट। मैरिनेट बनाने के लिए मैं लूंगी 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बाउल दही, 4 चाट मसाला, गरम मसाला, सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, हरा धनिया, और नींबू का रस, मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। और मैं इसमें पहले आपको बताया था मैं जिंजर गार्लिक नहीं डाल रही हूँ, और इसमें अच्छा लगता है वैसे, बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए नहीं डाल रही, तो आप ज़रूर डालें उसे। और मैंने लिया है ये थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये भी ऑप्शनल है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो वैसे आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इस तेल में करेंगे तो और अच्छा इसमें आएगा फ्लेवर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, मैरिनेशन रेडी हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये मोमोज, इसको अच्छे से कोट कर लें। हल्के हाथों से करें जिससे ये टूटे ना। सारे मोमोज को ये सारे मोमोज अच्छे से कोट हो गए हैं। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। मैंने ग्रिल पैन एक चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी ऑयल, और इस मोमोज को इस पे रख के ग्रिल करेंगे।
थोड़ी देर इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे, जैसे ही अच्छे से ग्रिल हो जाए। और इसको आप गैस पे भी ग्रिल कर सकते हैं, उसके लिए एक और तरीका है। ये देखिए अच्छे से ये ग्रिल हो गए हैं। अब मैं इसमें इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं आपको दूसरे तरह से करके दिखाती हूँ ग्रिल। दूसरे तरह से ग्रिल करने के लिए मैंने ये पे स्टिक ले ली है और इसको मैंने 3-4 घंटे पानी में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये लकड़ी की है तो ये जल जाएगी, इसलिए इसको पानी में डाल के रखें। इसमें मैं ये मोमोज डालूंगी। इस तरह से अब हमें से ये देखिए अब हम इसे गैस पे ग्रिल करेंगे। इसके लिए मैं ये हटा देती हूँ और गैस को थोड़ा सा हाई करके इस तरह से घुमाते हुए गैस पे भी अच्छे से हो जाते हैं। तो जिसके पास ओवन नहीं है तो उसकी चिंता ना करें, आप गैस पे ही कर लें इसको। गैस पे भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये देखिए कितने अच्छे टेक्सचर आ रहे हैं इसके ऊपर। थोड़ा ऊपर ऊपर से करें। ये देखिए क्या है। अब हम इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। जो मैंने मैं आपको बताया था कि लास्ट का जो है वो जो रह गया है मैं उसका बताऊंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और तंदूर का फ्लेवर इससे बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने ये सारे एक बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं और बीच में मैं लगाऊंगी एक सिल्वर फॉइल। आप इसमें थोड़ी सी जगह कर लें बीच में, मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल रख लिया है। और इसमें हम रखेंगे एक, मैंने कोयले के टुकड़े को गर्म करके रखा था पहले से, इसमें डाल देंगे। और ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच घी। और ये जो धुआं आ रहा है इसको हमने वेस्ट नहीं होने देना है। और ऊपर से इसको प्लेट ढक देंगे। इससे तंदूर का जो फ्लेवर होगा मोमोज के अंदर चला जाएगा और ये बिल्कुल तंदूरी मोमो लगेंगे जैसे मार्केट में होते हैं। तो इसको आप जरूर ट्राई करें। जैसे ये धुआं खत्म हो जाए तो हम इसकी प्लेट हटा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा धुआं आ रहा है इसमें। अभी और होने देते हैं इसे थोड़ी देर। इसमें ये फ्लेवर आ गया है। अब मैं इस कोयले को बाहर निकाल देती हूँ। ये गर्म है, थोड़ा आराम से निकालें। तो ये पनीर मोमोज रेडी हो गए हैं, तंदूरी पनीर मोमोज। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।